Hello, children. Good morning. Today we will learn about greater than and less than. Children, take out your pink sunshine book and open to page number 145. Today we will be learning a new concept. ग्रेटर धैन एंड लेस धैन सो सबसे पहले हम करेंगे ग्रेटर धैन ग्रेटर धैन की साइन है ऐसे ये है ग्रेटर धैन की साइन ओके लुक एंड लॉन देखो ये कैसी साइन है ये है दे ग्रेटर देन की साइन ये साइन इज द साइन फॉर ग्रेटर देन दिस साइन इज लाइक द माउथ ऑफ अ हंग्री फिश ये है फिश और कैसी फिश है हंगरी फिश तो इसका मुंह जिस इस तरफ खुलता है वो साइडर टूअर्ड्स बिगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो फिश का माउथ है वो कहा पे खुलता है जहा पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो या बड़ा नंबर हो ओके okay. ये है हंगरी फिश ओके तो चलो हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कितने आइसक्रीम्स हैं देर आर थ्री आइसक्रीम्स वन टू एंड थ्री तो यहां पे नंबर है थ्री और यहां पे है टू आइसक्रीम्स वन एंड टू सो नंबर टू इज रिटर्न हियर नाउ विच इज अ ग्रेटर नंबर नंबर थ्री या नंबर टू नंबर थ्री इज अ ग्रेटर नंबर यहाँ पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है इसलिए ये हंगरी फिश का माउथ कैसे खुला है जहाँ पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है तो ये देखो ग्रेटर देन की साइन है तो ग्रेटर देन की साइन है ऐसे वो कौन से नंबर को खाती है जो नंबर बड़ा हो ये है ग्रेटर देन की साइन ओके देखो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन है ऐसे थ्री इज ग्रेटर देन टू ये थ्री नंबर है वो टू नंबर से बड़ा है थ्री इज ग्रेटर धन टू ये जो साइन है वो किसकी है ग्रेटर धैन ओके सो नाउ लुक एट दीज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए है पिक्चर्स के साथ वो हम देखेंगे फर्स्ट बॉक्स में है फ्लावर्स रेड रेड कलर के फ्लावर्स है तो चलो काउंट करते हैं कितने फ्लावर्स है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स देर आर सिक्स फ्लावर्स यहाँ पे नंबर लिखा है सिक्स दूसरी साइड है वन टू थ्री एंड फोर फोर फ्लावर्स है इसलिए यहाँ पे फोर नंबर दिया है तो कौन सा नंबर बड़ा है सिक्स या फोर यस चिल्ड्रन सिक्स इज अ ग्रेटर नंबर तो यहाँ पे साइन ग्रेटर देन की सिक्स तरफ मुंह खुला है खाएगी है ना लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे भी फ्लावर्स है तो कितने फ्लावर्स है फर्स्ट लाइन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट देर आर एट फ्लावर्स यहाँ पे नंबर कौन सा है एट और दूसरी साइड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फ्लावर्स तो यहाँ पे नंबर है सेवन नाव एट इज अ ग्रेटर नंबर सेवन से एट बड़ा है इसलिए साइन कैसे है ग्रेटर देन फिश का माउथ है वो एट की तरफ खुला हुआ है इसलिए वो एट नंबर को खाएगी है ना चलो देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे कितने फ्लावर्स है चलो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो यहाँ पे नंबर है सेवन और दूसरी साइड पे है वन टू एंड थ्री सो यहाँ पे नंबर लिखा है थ्री नाउ चिल्ड्रन आपको पता है थ्री नंबर बड़ा है या सेवन नंबर बड़ा है यस नंबर सेवन इज अ ग्रेटर नंबर साइन so हियर ये कौनसी साइन है ग्रेटर सेवन को खा रही है, है न फिश का माउथ कहावन नंबर के साइड पे नाव वी लुक एट अनदर सेट ऑफ फ्लावर्स वन टू थ्री एंड फोर नंबर फोर इज रिटर्न ओवर हि और यहाँ पे हैच इज अ ग्रेटर नंबर चिल्ड्रन यस नंबर फोर इज अ ग्रेटर नंबर वो वन नंबर से बड़ा है इसलिए साइन है ग्रेटर देन फोर इज ग्रेटर देन वन है ना? फिश का मुंह कहाँ पे है Four की तरफ खुला है। वो कौन से नंबर को खाएगी जो नंबर बड़ा है है ना? तो हमेशा फिश का मुंह जिस तरफ हो वो नंबर बड़ा है ओके ड्रन टर्न योर पेज चिल्ड्रन ये है कॉन्सेप्ट लेस धैन हमने पहले ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट किया अभी हम करने वाले है लेस देन ये है लेस देन की साइन लुक एंड लोन लेस देन इज द साइन ये कौन सी साइन है लेस दे साइन फॉर लेस दे स्मॉलर नंबर ऑलवेज फेसिस द क्लोज एंड ऑफ द फिश जो छोटा नंबर है वो नंबर हमेशा ये जो साइन है उसके क्लोज एंड की तरफ आएगा ग्रेटर नंबर हमेशा खुला हुआ मुंह है फिश का वहां आएगा और छोटा नंबर बंद एंड की तरफ आएगा ओके okay? देखो हम अभी करने वाले हैं लेस देन सो हाउ मेनी हनी बीज आर देर वन टू एंड थ्री थ्री नंबर लिखा है और यहाँ पे है वन टू थ्री फोर एंड फाइव हनी बीज इसलिए यहाँ पे नंबर लिखा है फाइव नाउ विच इज अ स्मॉलर नंबर नंबर थ्री इज अ स्मॉलर नंबर ये नंबर थ्री फाइव से छोटा है इसलिए यहाँ पे साइन है लेस देन की देखो लेस देन यहाँ पे फिश का मुंह बंद है तो छोटा नंबर बंद मुंह की तरफ है और बड़ा नंबर खुला मुंह की तरफ है थ्री इज लेस देस देट दीज हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले है फर्स्ट बॉक्स में क्या है देखो देखो ये कौन है बोलो hmm, बोलो कौन है ये ये है एलिफेंट तो चलो काउंट करते हैं फर्स्ट लाइन में है वन एंड टू एलिफेंट्स इसलिए यहाँ पे नंबर है टू और दूसरी साइड पे है वन टू थ्री फोर एंड फाइव एलिफेंट्स इसलिए यहा पे नंबर दिखा है फाइव सो टू इज लेस देन लेसाइव ये नंबर छोटा है टू इज लेसर नंबर इसलिए यहा पे फिश का मुंह बंद है और बड़े नंबर की तरफ फिश का मुंह खुला है तो चलो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल अरे वाह यहाँ तो कितनी सारी टॉफीज़ है चलो काउंट करते हैं फर्स्ट लाइन में कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट यहाँ पे नंबर एट है और दूसरी लाइन में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन यहाँ पे नाइन है इसलिए एट नंबर नाइन से छोटा है कि बड़ा है यस yes, एट इज लेस देन नाइन एट नंबर नाइन से छोटा है इसलिए फिश का मुंह एट की तरफ बंद है और नाइन की तरफ खुला है है ना? अभी हम देखेंगे दूसरा पिक्चर अरे यहाँ तो बीटल है फर्स्ट लाइन में देर इज ओनली वन बीटल इसलिए नंबर वन लिखा है और दूसरी लाइन में है चलो चलो काउंट करते हैं एंड आर सो विच इज अ बिगर नंबर वन और सिक्स सिक्स इज अ बिगर नंबर एंड वन इज अ स्मॉलर नंबर इसलिए स्मॉलर देन की साइन है वन की तरफ है ना नाउ वी नाव एट द नेक्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स अगेन ये क्या है चॉकलेट्स चलो लेट्स काउंट देम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यहाँ पे नंबर सेवन और दूसरी लाइन में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसलिए यहाँ पे दिया है नंबर एट सेवन इज लेस देन एट इसलिए साइन है लेस तो देन की ये साइन है लेस देन की तो मुंह किसकी तरफ बंद है छोटे नंबर की तरफ तरफ और कौन सी खुला है बड़े नंबर की तरफ है ना अभी आपको ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट पता चला बच्चों हाँ अभी नंबर जो छोटा है वो हमेशा लेस इन वैल्यू होता है वो बिफोर नंबर भी होता है जो नंबर पहले आता है वो नंबर छोटा होता है और जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है तो छोटा नंबर जो पहले आता है वो लेस इन वैल्यू होता है छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा नंबर होता है ग्रेटर इन वैल्यू ओके चिल्ड्रन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज द हंग्री फिश क्या है द हंग्री फिश अभी जो हमने पढ़ा कि फिश का मुंह किस तरफ खुला होता है तो जिस तरफ छोटा नंबर हो वो तरफ मुंह बंद होता है और जिस तरफ बड़ा नंबर हो उस तरफ मुंह खुला होता है द हंग्री फिश ओपन इट्स माउथ वाइड

ऑब्जेक्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कितने ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे कितने हैं वन टू एंड थ्री यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स है तो देखो देखो कौन सी तरफ मुंह खुला है जिस तरफ ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है ंगरी फिश का मुंह उस तरफ खुला है जहाँ पे सिक्स ऑब्जेक्ट्स है, है ना और देखो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है वन एंड टू एप्पल्स तो कितने एप्पल्स है टू और यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है वन टू थ्री एंड फोर फोर ऑब्जेक्ट्स है फोर एप्पल्स तो देखो हंग्री फिश कौन सी तरफ मुंह खोलेगी जिस तरफ ज्यादा एप्पल्स है जहां पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो बड़ा नंबर हो उस तरफ के ऑब्जेक्ट्स को खाने के लिए मुंह खोलेगी इसलिए ये देखो ये फोर एप्पल्स को खाएगी और यहाँ पे सिक्स टर्निप्स को खाएगी है ना नाव किटू वॉन्ट्स टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द फिश विल ईट ड्रॉ द माउथ ऑफ द फिश करेक्टली एज ग्रेटर देन और लेन इन दिवन स्क्वे देखो यहाँ पे कि टू, टू नो कि कौन से कौन से बड़े सेट है और कौन से छोटे सेट है तो फिश कौन सी तरफ मुंह खोलेगी वो हमको स्क्वेयर्स में ड्रॉ करना है ओके तो चलो शुरू करते हैं आप रेडी हो बच्चों? वेरी गुड नाउ यहाँ पे है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो कहा तो तो पे बर ज्यादा है ये सेट ज्यादा बर्गर्स का है इसलिए फिश पे मुंह खोलेगी? ज़्यादा बर्गर्स की तरफ तो हम कैसे साइन करेंगे ऐसे है ना? ये टू है, वो लेस देन फाइव है इसलिए यहाँ पे मुंह बंद है और ज्यादा बर्गर्स की तरफ मुंह खुला है अभी ये क्या है अरे वाह देखो देखो क्या है ये आपको खाने में अच्छा लगता है ना आइसक्रीम देखो एंड फोर यहाँ पे फोर का सेट है और यहाँ पे वन टू एंड थ्री थ्री का सेट है तो फिश कहाँ पे मुंह खोलेगी जहा ज्यादा आइसक्रीम है है ना तो यहाँ पे हम ऐसी साइन करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट इज कैरट यहाँ पे वन कैरट और यहाँ पे टू कैरट तो चलो चलो बताओ बच्चों कहाँ पे मुंह खोलेगी फिश हम्म फिश विल ईट टू कैरट है न क्यूंकि ये ज्यादा नंबर है और नेक्स्ट क्या है कुकीज हा तो देखो कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पे है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फिश कौन से वाले कुकीज खाएगी ये वाले कुकीज या ये वाले कुकीज हाँ जहाँ पे एट नंबर है वो कुकीज खाएगी है ना चिल्ड्रन Now, our exercise is over, and we will be meeting in the next class. Bye bye.